शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अम्बा प्रसाद के हवाई जहाज में आग नहीं लगी, तेरे नसीब में गुल खिला है। इस गुल को लपक कर नहीं तोड़ेगी तो जिंदगी भर पछताएगी। अम्बा, जिंदगी भर तेरे पीछे कुत्ते भौंकते फिरेंगे और तुझे जान छिपाने को कहीं जगह नहीं मिलेगी। माँ, तू यहाँ खड़ी माँ माँ करती रह जाएगी और वहाँ करोड़पति के यहाँ 770 बारिश खड़े हो जाएंगे इतनी देर में। दुनिया तूने अम्बा प्रसाद के नाम से जानती, लेकिन असल में वो क्या थे मैं जानता हूँ। मुझे मालूम है तुम लोग। मैं अम्बा प्रसाद जी का रिश्तेदार हूँ, उनके एक्सीडेंट की खबर सुन के दौड़ा दौड़ा आ गया। आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी। मैं तो अभी 4 दिन पहले मिलके गया था, पर क्या पता था फिर मिलना नहीं होगा। वेरी पेनफुल इंडीड, इट्स वेरी सैड। बहुत ही ईमानदार, नोबल और दरिया दिल इंसान थे अम्बा प्रसाद। पर मौत दरिया दिल नहीं होता बाबा। रोने का नहीं, यहाँ दिख रही रोवानू नहीं। मेरे को मालूम है कि छापा में खबर पड़ी ने तो मेरे को कितना दुख हुआ होगा।
हमें खरा खोटा आंसू पहचानता है। ये सब लोग नीचे जो बैठा है वो सब लोग बोलता है कि अम्बा प्रसाद का रिश्तेदार है। इनको हम पहले कभी नहीं देखा। एकला पैसा वाला का वास्ते रोने वाला केतला है सगा वाला निकली आया। पर तू अम्बा प्रसाद का बेटी शरीक आ जाए इसका वास्ते जो बात मैं भी यही समझता था रतन जी। लेकिन लेकिन एटले शू बोलती क्यों पता ना रतन जी अपने ही आदमी है इनसे क्या छिपाना। वो भी क्या बोले बेचारे दाद भी अपने होठ भी अपने माने केहूनी बहन तब पजलिंग पजलिंग क्या बोलता है तुम। रत्ना के पेट में सेठ जी की निशानी है वकील साहब। रत्ना अम्बा प्रसाद के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या बोलता है तुम तमिल को। मैं मानता हूँ कि गलती हो जाती है इंसान से पर हो ही गई थी तो उन्हें रत्ना से शादी कर लेनी चाहिए थी। तो मैं सेंस में थे ओके। अब मेरी बेटी और मेरे माथे पर कलंक का टीका तो लगे गया पर ये बात अगर जाहिर हो गई तो अम्बा प्रसाद के नाम को भी नेक नहीं रहने देगी। ज्यादा बात बढ़ाने से फायदा नहीं करते जी। आप सेठ जी का खैर खा दोस्त हैं उनके वकील भी हैं। आप रत्ना और अम्बा प्रसाद की शादी के सबूत हासिल कर लीजिए ताकि मेरी बेटी का नाम बदनाम न हो और उनको दौलत का वारिस मिल जाए। रत्ना आवाज साक्षी है बोलो रत्ना। बोलो ना रत्ना तुम झूठ टाइप है। बोलो ना रत्ना आवाज साक्षी है। रत्ना साक्षी बोल तुम मां बनने वाली है। मुंह काला करते शर्म नहीं आई अब सच बोलते शर्म आ रही है। अब बोलते क्यों नहीं कल मुही अमेरे से शर्म नहीं करो अमेरे को साक्षी साक्षी बात बोलो रत्ना। तमे घेर जाओ हम प्रोसीजर पूरा करी नहीं तो मेरे को खबर देगा क्या रहता मैं आऊ जो हाँ आई विल डू दी नीडफुल। हमारे से जो बनेगा वो हम करेगा हमारे पे भरोसा रखो। हेलो कृष्ण जी वही मैं बोल रहा हूँ। कौन अम्बा प्रसाद बात करता है वो जाको रखे साइया मार सके ना कोई जो जहाज क्रैश हुआ है ना वो मेरे से मिस हो गया मैं एयरपोर्ट पर लेट पहुंचा फिर मैं दूसरा जहाज पकड़ कर आया हूँ। ओ गॉड थैंक गॉड खुदा है तुम्हारी बहुत मेहरबानी बाबा थैंक गॉड। हाँ तो मैं ये जल्दी आओ। हाँ हाँ अभी आता हूँ आता हूँ आता हूँ। कृष्ण जी अम्बा प्रसाद जी के इतने बड़े कारोबार की मुझे तो पूरी तरह से जानकारी भी नहीं है मैं भला कैसे संभालूंगा इतना बड़ा लेन देन। पंत मैं कौन है अम्बा प्रसाद का जी मैं उनका छोटा भाई हूँ यू डोंट नो मी। नहीं नहीं वो क्या जानू अम्बा प्रसाद अपने माँ बाप का एकला आने ओनली सन हटा वो तमने क्या जानो। कृष्ण जी मैं उनका मोसेरा छोटा भाई हूँ। यस यारे आज तमाम से बाबा हाँ मेरे रोने तो साक्षी बात है। अरे रोने का तो मुझे भी है। आप साक्षी बात है पर तमें कौन छो बाबा जी। अम्बा प्रसाद जी के पिताजी और मेरे पिताजी दोनों भाई भाई थे। आई सी इसके लिए मैं उनका चचेरा भाई हूँ। चारे तो तमें नियरेस्ट डियरेस्ट रिलेटिव छो रिश्तेदार छो और तमारा से बाबा जी। लेकिन मैं पूछता हूँ कि अपनों के होते हुए हक गैरों को कैसे दिया जा सकता है। मगर मैं कहता हूँ मेरे होते हुए ये रोने वालों की भीड़ कैसे लग रही है। माने सबका रोने का हक मंजूर है पर बाबा जी अभी तो मरूम की लाश का एक कटका पोर्शन भी नहीं मिला इतनी उठाओ साहे को कटाया। अरे पर मारा बाप लाश मिलने का पिछू ही क्रियाक्रम होगा नहीं वो उठा बोलो है तो पेस्टन जी का क्रियाक्रम करी ना खुद। लेकिन पेस्टन जी हाँ बोले चले। अरे पेस्टन जी ये लोग सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। दिस पीपल आर योर वेल विशर्स ये सब तो मेरा सगे वाला है बाबा जी। अरे बताने की जरूरत नहीं ये तो मैं पहले ही जानता हूँ मगर ये बताओ कि आज ये इस तरह यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। ये सब लोग तू मेरा क्रियाकर्म करने का वास्ते आया है। क्रियाकर्म तो तुमने इनको बताया नहीं कि मैं अभी मरा नहीं जिंदा हूँ तुमको टेलीफोन तो किया था। माफ कीजिए मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ अच्छी तरह हूँ। आप आराम कीजिए जाइएगा नहीं शाम का खाना खा कर जाइएगा। अच्छा मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मोहते मोहते नमस्ते मालिक।
नमस्ते नमस्ते रामो, कैसे हो? ऐसी बुरी खबर सुनकर मेरा तो भगवान से विश्वास ही उठ गया। अब घर लौट आए हैं, अब मैं हनुमान जी के मंदिर में 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। रामो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। इस बहाने ये तो पता चल गया कि मेरे अपने मुझे कितना प्यार करते हैं। अम्बा जी, तुम्हें क्या खरे खर ये समझता है कि नीचे जितना लोग है वो तब मेरी मौत पर रोने आया है? और नहीं तो मेरी शादी की खबर छपी थी अखबार में। तो मेरी शादी का खबर छपता तो वो लोग इतना दूर तक रोने का वास्ते नहीं आता, अपना अपना घर में छाटी कुटी कुटी में मरी जाता। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा वारिस तरीके डिसअपॉइंट होकर। अरे पेशन जी, आदमी के ईमान पर शुभा करना तुम्हारे पेशे का कसूर है। पेशे का नहीं, एक्सपीरियंस का, क्या बोलता है, तजुर्बे का कसूर है। ये तमेरा सगे वाला तुम्हारी मौत पर रोने का वास्ते नहीं आया है, तुम्हारी दौलत पर कब्जा करने का वास्ते आया है। पेशन जी, वो मेरे हमदर्द हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंद हैं। जाने दो अम्बा जी, माल का वारिस बनने के लिए भाई बंदों में लाश फूकने का कॉम्पिटिशन हम बहुत देखा है। लाश फूकने का कॉम्पिटिशन? यस यस, लाश फूकने का कॉम्पिटिशन। इफ पॉसिबल ये लोग तमेरे को जीता जला नहीं सकता है, समझिए। तुम कुछ भी कहो पेशन जी, मेरे दोस्त, मेरे हमदर्द, मेरे रिश्तेदार सब मुझसे बेगरज प्यार करते हैं। बेगरज होकर जिस दिन आदमी आदमी से प्यार करना छोड़ देगा, उस दिन ये दुनिया सिर्फ हैवानों की बस्ती रह जाएगी। मैंने खबर न थी तुम्हें केवी अने कौन सी दुनिया की बात करो छो, पर आ दुनिया में जिसको तुम अपना खुद बेटी समझता है वो रत्ना भी तुमसे बेगरज प्रेम नहीं करता है। रत्ना की क्या बात है? बात इतने सु अम्बा प्रसाद एक्सीडेंट में मरी गया, इतने रत्ना पेट में वारिस लेने तुम्हारी दौलत नौत मांगे थे। क्या? आ डिमांड में कई स्वार्थ न थी, ये तो बेचारी पोता नौत मांगे थे। पेशन जी, बूम नहीं मार वारी अम्बा प्रसाद, शी इज कैरिंग योर चाइल्ड। क्या बक रहे हो पेशन जी? हाँ, रत्ना के पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हूँ बिल्कुल सेंस पास है। रत्ना प्रेग्नेंट है और उसके माँ और बाप का दावा है कि उनकी बेटी के पेट में अम्बा प्रसाद का हमल है। रत्ना मेरी बेटी है, रत्ना मेरी बेटी है। अम्बा प्रसाद, पैसा ईमान का सगा नहीं है। धनी मानस को मानस तरीके प्रेम करने वाला एक भी आदम ना बच्चा आज दुनिया में होए, ये हूँ एक भी नहीं कर रहे। रत्न जी, मुझे अकेले छोड़ दो प्लीज। अरे बेटी, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। तो फिर रो क्यों रही है? खाना गिर गया। तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें और खाना ले देते हैं। बाबा मुझे मारेगा। अरे क्यों मारेगा बेटी, हम समझाते हैं उसे। कहाँ तेरा बाबू? बोला। ओ। तुम चला। ये वक्त है तेरा नहीं, कहाँ मर गई? हर रोज तू देर से आती है यहाँ, भूख के मारे मेरी जान जाती रहती है। अरे भाई, ओ भाई, इसे क्यों मारते हो? इसका कोई कसूर नहीं है, कसूर मेरा है। मेरी गाड़ी से टकरा गई और तुम्हारा खाना गिर गया। ये पैसे लो भाई खाने के लिए, छोड़ो बातों को, ये लो। सेठ जी, खाने के पैसे तो दे दिया आपने, लेकिन अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? हाँ बेटी, कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ। अरे ऐसी बातें मत करो, लो भाई 100 रुपए और लो, ये लो। शुक्रिया। ये बताओ, इससे खिदमत ही करवाते हो या के पढ़ाते लिखाते भी हो? सेठ जी, खाने दाने के लिए तो पैसे पूरे नहीं पड़ते, पढ़ाने लिखाने के लिए तो इसे कहीं गिरवी रखना पड़ेगा। अरे भाई, औलाद की पढ़ाई के लिए माँ बाप के गिरवी रहने का जमाना चला गया। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? ये अकेली। कमाल है, हजारों बच्चों का दिल बहलाते हो और अपनी इकलौती बच्ची के लिए तुम्हारे दिल में जरा भी रहम नहीं।
क्या बात है बेटी? अब बहुत अच्छे। एक बार मैं गाड़ी से टकरा गई थी, खाना खाना गिर गया था। गाड़ी वाले ने मुझे बहुत मारा और पापा ने मुझे बहुत मारा। क्या नाम है तुम्हारा? रत्ना। अरे 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 रत्ना, बहुत अच्छा नाम है बेटी। पढ़ना चाहती हो? तुम्हें स्कूल में दाखिल करा दें? हाँ। अच्छा सुनो भाई, अगर इस बच्ची की पढ़ाई लिखाई और पालने पोसने की जिम्मेदारी मैं ले लूं तो तुम्हें कोई एतराज है? जी, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो फिर ठीक है, ये रहा मेरा कार्ड, कल इस पते पर बच्ची को लेकर तुम वहां आ जाओ। देखना, एक दिन सारे देश में तुम्हारा नाम होगा और दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। बाबा, न मुझे नाम चाहिए न दौलत। मैं तो भगवान से ये मांगती हूँ हमेशा तुम्हारा साया मेरे सर पे बना रहे। बस बस। गजब हो गया, नसीबा जागते जागते रह गया, मुर्दा जिंदा हो गया। अब तुम यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ करो ना, अब क्या होगा? वही होगा जो होना चाहिए। लेकिन कैसे? मुर्दा जिए चाहे मरे, पर आदमी की जुबान एक होती है। एक बार मुंह से निकाली वही बात पर इसे कायम रहना ही होगा। नहीं नहीं पिताजी, यह मुझसे नहीं होगा। उनके सामने मैं इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकती। कभी नहीं, कभी नहीं। अब अगर बात बदली तो बदनामी और कंगाली की बेड़िया पहनाकर वकील का बच्चा पेशन जी हमें अंदर करवा देगा। रत्ना, जैसा तेरा बापू कह रहा है कर, तुझे करना ही होगा। हमारी खातिर झूठ बोलना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं। नहीं बोलेगी तो खुद दीन से जाएगी और मैं दुनिया से मिटा दूंगा, ये याद रखना। रत्ना, जो कुछ मैंने पेस्टन जी से सुना वो तुमने कहा? बोलो, तुमने कहा? इतना बड़ा झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसे पाप की कहानी घड़ने से पहले कभी आत्मा नहीं कांपी? ये पाप मेरा नहीं, आपका। रत्ना, ताने और धमकाने से सत्य का गला नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते, नहीं खोल सकते। रत्ना, एक तो मेरी अनजान लड़की की जिंदगी बर्बाद की आपने, इस छोटी सी उम्र में उसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, पर उसे डांट कर अपने पाप की स्याही धोना चाहते हैं। मेहरबानी करके हम गरीबों को अपने हाल पर छोड़ दीजिए और चले जाइए यहाँ से। देख लिया तूने, इंसान कहां तक गिर सकता है? यही तेरी दुनिया है, जान छानिए नहीं दौलत की पूजा होती है। यही तेरी दुनिया है जहां पैसे के लालच से बेटी बाप के रूप पर ठोक सकती है। दादा, क्या इसी दिन के लिए तूने मुझे सब कुछ दिया था? बोल, बोलता क्यों नहीं? तेरे बनाए हुए इंसान ही लोभी है, उनके मन पापी है। दाता को भूल कर दाता की देन से बने हुए धनवान को अन्नदाता कहते हैं। मेरा दम घुट रहा है, मैं इस पाप की नगरी में सांस नहीं ले सकता। मेरा घर ले ले, मेरी दौलत ले ले, मुझे भिखारी बना ले, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा इस पाप की नगरी में। यहाँ कोई किसी के प्यार नहीं करता, यहाँ प्यार नहीं है, यहाँ प्यार नहीं है, मैं नहीं रहूंगा।
यहाँ अब क्या रहना, यहाँ अब क्या रहना, किसी से क्या कहना, चल दे वहाँ तुझको मिले प्यार जहाँ, चल दे वहाँ तुझको मिले प्यार जहाँ। मन के है खेल सारे, मन से इंसान हारे, मन से इंसान हारे, ढूंढे मन प्यार जाकर, हर घर हर द्वारे द्वारे, हर घर हर द्वारे द्वारे, राह चले पथ न मिले, चाहे आए भले आंधियां, चल दे वहां तुझको मिले प्यार जहां, चल दे वहां तुझको मिले प्यार जहां। मोती मोती, ए एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। क्या भाई, कौन हो तुम? मैं पेशे से चित्रकार, शौक से गवैया और हालत से एक गरीब आदमी। ओ, पेशा चित्रकारी का, शौक गाने का, फिर तो हालत गरीबी की होगी ही। कौन हो तुम, करते क्या हो? मैं तो भैया पेशे से दुकानदार, शौक से आवारा, हालत देख लो बेकार हूँ। तुम्हारा शौक से पेशे का और पेशे से हालात का मेल बिल्कुल नहीं खाता। बेकार का किसी से मेल नहीं खाता। अगर तुम इसी तरह सोए रहो जिस तरह सोए हुए थे, मैं तुम्हारी बेकारी दूर कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम्हारी अधूरी तस्वीर पूरी करके। आए? तो तुम मेरी तस्वीर बना रहे हो क्या? जी हाँ। वो क्यों? मैंने कहा ना, मैं पेशे से चित्रकार हूँ। अरे हो गए, मगर मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम मेरी तस्वीर बनाओ? तो क्या हुआ, मैं तो बनाऊंगा ही। भाई वाह, तुम तो चाकू चूरू बेचने वाले गले पड़ू बलोची मालूम होते हो। क्यों? क्यों क्या, तुम्हारे कहने से मैं सो जाऊं, चुप से तस्वीर बनवा लूं और फिर बनवाई के पैसों के लिए तुम मेरी छाती पर चढ़कर मेरे पेट में छुरा भोंक दो। अरे भाई, आजकल तो रिवाज है छुरा मारने का। तुम अगर मुझे अपनी तस्वीर बनाने दोगे, मैं तुम्हारे पेट में छुरा नहीं मारूंगा, बनवाई के पैसे भी नहीं लूंगा, बल्कि दूंगा। आए, दोगे? मगर तुम कहां से दोगे, तुम तो गरीब आदमी हो।
गरीब हूँ, गरीबी को नंगा करने की कोशिश मत करो। ओ, क्या दोगे? ज्यादा तो नहीं, 5 रुपए दूंगा। अरे वाह, 5 रुपए? फिर बनाओ तस्वीर। आओ मोती, आओ आओ आओ, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। नहीं मेरी बात। अरे तुम्हारी सुनूंगा तो मेरा कुत्ता भूखा मर जाएगा। इसे भूख लगी है। अरे भाई, ये होटल सिर्फ भूखे आदमियों के लिए है, भूखे कुत्तों के लिए नहीं। मैं खाऊंगा और मेरे साथ ये कुर्सी पर बैठ जाएगा। लो, अब कुत्तों को भी कुर्सी चाहिए। अरे भाई, कभी कभी कुत्ते भी कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। ये सदा हुआ कुत्ता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। सदा हुआ तुम्हारा ही तो है। ये तो बड़ी मुश्किल है, इसे खिलाए बिना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छी बात है, तो वहाँ बैर भर के खाओ। अरे क्या मतलब है फुटपाथ पर? अरे भाई, वो पेटी है, उस पर बैठ जाओ, अपने लाडले को भी वहीं जिमाओ, जाओ। अच्छी बात है, चलो मोती चलो। इसके लिए मीट की प्लेट भेज दो भाई, मेरा पेट तो तेरी बातों से भर गया है। अरे मुगरी, अरे उसके लिए बाहर जाए, प्लेट ले जा मटन की। चल क्यों मोटो भंडारी? सलाम इंस्पेक्टर साहब, आज भी इन बोतलों में कुछ पानी झोंका है क्या? क्या बात कर रहे हैं अनवर भाई, अरे ये कोई दूध की दुकान है, और फिर आपके राज में साड़ी में कौन मिलावट कर सकता वाला? जरा चेक कर तो देखिए। लाइक पवा। अरे भाई, ये कुत्ते को कुत्ते का गोश्त भेज दिया तुमने, उसने सूंघकर छोड़ दिया, उठाओ वहाँ से। अरे कुत्ते का सूंघा हुआ हम क्यों उठाए भाई? अरे डरते क्यों हो? तुमसे कुछ कह रहा है, समझने की कोशिश करो। क्यों कुत्ते की बोली मैं क्यों समझूं? इसमें हर्जी क्या है, अगर एक दूसरे की बोली समझ में आ जाए तो। आओ 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 आओ। देवी, पानी पिलाओगी? कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? जहाँ से आया हूँ कोई नहीं जानता, जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ सभी जाएंगे। धन्यवाद। पागल मालूम होता है। का तो नहीं है, कोई परदेसी लगता है। अरे देसी हो या परदेसी, कहीं मरने जाए बुड्ढा। प्यास हो, प्यास, मिर्गी आ गई होगी। अरे वो देखो, बैजी की बिटिया आ रही है। अब बच जाएगा बेचारा। कौन है ये? मालूम नहीं कौन है दीदी, बहना बेहोश हो गया है बेचारा। भाई ऐसी भली लड़की नहीं देखी जैसी ये बैजी की है। इसका बाप भी ऐसा ही था। इन्हें उठवा कर मेरे घर पहुंचवा दोगे? हाँ हाँ, काहे नहीं। अरुण, ले चाय पी ले। क्या बात है माँ, शॉल क्यों नहीं है? तबीयत ठीक नहीं है क्या? अरे मेरा क्या, आज मरी कल दूसरा दिन, बुढ़ापा है। माँ, आज मैंने एक लाजवाब तस्वीर बनाई है, रुपए तो 5 खर्च हो गए मगर काम 5 लाख का हो गया। लाखों करोड़ों की बातें तो आजकल सुन सुन कर सभी बोलने लगे हैं। ये 5 रुपए गिनने तक हमारे लिए कितने मुश्किल है, क्या तुझे नहीं मालूम? तू जाने किस लाजवाब में 5 रुपए खर्च करा है। हाय अरुण, तेरी बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो गई? तू बैठी की बेटी से कुछ दवाई ले ले। अरे जेब के 5 नगद खर्च करके
तू न जाने किस धोखे की तस्वीर बना कर लाया है और दी तो जाने किस किस की और कितनों के यहाँ रहा है। अरे बावली, बुढ़े ढेरों की तस्वीरें बना बना कर क्या पेट भरते हैं? ये पेट भी कमबख्त कला का बड़ा ही बैरी है। तू ही जाने भैया अपनी कला पला को। आरती के घर गया था? आज तो नहीं गया। कल भी नहीं गया तू। तुझसे कितनी बार कहा है कि रोज एक चक्कर लगाया कर आरती के घर। अकेली है बेचारी, पर तू ना जाने अपने किन ख्यालों में खोया रहता है। इस दुनिया में मुझे सिर्फ तीन चीजों का ख्याल है, एक अपनी माँ का, दूसरा अपनी कला का और तीसरा तुम्हारी आरती का। माँ तेरी, कला तेरी और आरती मेरी। रंजन किसी दिन मार डालेगा अपने बहू को। कैसा बखत आ गया, औरत रोटी मांगती है तो मर्द घूंसे खिलाता है। रोटी है नहीं उसके पास। तो फिर लाए क्यों उसे ब्याह के? की माँ ने कहा होगा उसे ब्याह करने के लिए। अरे तो माए बेटों से ब्याह करने को नहीं कहेंगी तो और कौन कहेगा? कहेंगी तो बहुएं इसी तरह मार खाती रहेंगी। दीदी, ये तो किसे ले आई हो घर में? ना जाने कौन है, कुछ भी आने तो तब पता चलेगा। अरे अरे मत दुखी मत दुखी। घबराइए मत, अब ठीक है आप। मैं हूँ कहाँ, मुझे क्या हुआ? इन्हें सर्दी लग गई थी, बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गया था? कब से बेहोश? काफी देर से। ओ। अब आपको आराम करना चाहिए। इतना ही काफी है, मुझे जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे आप? जहाँ मुझे मेरी तकदीर ले जाएगी। आप तकदीर को मानते हैं? बेशक। तो मान लीजिए तकदीर को जहाँ आपको लाना था वहाँ गया। लेकिन मैं बीमार को चाहिए कि इलाज करने वाले की बात मानो। तुम कोई हकीम या वैद्य हो? वैद्य तो नहीं हूँ, पर वैद्य की बेटी जरूर हूँ और ये अच्छी तरह जानती हूँ परेशान होने से फिर बुखार जोर पकड़ सकता है। बुखार? मगर बुखार तो नहीं है मुझे। उतर गया है लेकिन दवा बंद हो गई तो फिर आ सकता है। आ जाएगा तो देखा जाएगा, मैं इलाज नहीं करवाऊंगा। मेरे पास तो दवा दारू के लिए भी पैसे नहीं है। मैं जाता। देखिए बुखार बढ़ गया, कहीं बेहोश हो गया तो फिर बड़बड़ाने लगेंगे चार आदमी। मैं बड़बड़ाया था क्या बुखार में? ऐसा हो जाता है। क्या कहा था? आप बेहोशी में कुछ रुपए पैसे के बारे में बोल रहे थे। मेरा ख्याल है या तो बहुत पैसा खो चुके हैं या पैसे की बहुत जरूरत में है। तुम ठीक कहती हो, मैंने बहुत खोया है और बहुत जरूरत भी है। मेरे पास इतना पैसा आ गया था कि लोग मुझे अन्नदाता कहने लग गए। अन्नदाता बनके मैंने इतना खोया, आज मेरे पास अपनी जरूरत के लिए भी कुछ नहीं है। तो ना सही, पैसा ही सब कुछ है क्या? हाँ, पैसा ही सब कुछ नहीं, इंसानियत सब कुछ। आरती बिटिया, आप ये दवा लेकर ले जाइए, मैं भी आती हूँ। दीजिए दीजिए ना। चाची तुम्हारे कपड़े तैयार नहीं हुए, घर में एक बीमार मेहमान आ गए, बस उसी में लगी रही। कोई बात नहीं, लेकिन ये बीमार मेहमान कौन घर में आ गए? कुछ पता नहीं चाची, पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हुए थे। हाय राम, बूढ़े हैं बेचारे। भगवान तुम्हारी दवा दारू को दस्ते देती। मैं दवा दारू क्या जानू चाची, पिताजी के नाम पर उन्हीं की दवाइयाँ दे दिला देती हूँ, उनका आशीर्वाद फल जाता है और क्या। चाची तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे क्या बताऊ बेटी, छह महीने डॉक्टर दवाइयाँ पी पी कर हैरान हो गई थी। तेरी एक ही पुड़िया से कठुआरे में देखो कैसी ठन ठन हो गई। ऐसा मत बोलो चाची, हाँ मेरी नजर लग गई। ये ले दवा के पैसे। ये क्या कर रही हो?
आरती बेटी, हम तुम्हारे लिए और तो कुछ नहीं कर सकते, पर दवा के पैसे तो दे ही सकते हैं। दवा के पैसे तो मैं किसी से नहीं लेती चाची। दवा में क्या पैसे नहीं लगते, मुफ्त में आती है। लगते तो हैं, पर लगाने को नहीं होंगे, तब देखा जाएगा। अरे वैसे ही महंगाई दुनिया के पेट में आग लगा रखी है, ऐसे तो कैसे जिएंगे बेटी। चाची ऐसे ही तुम्हारे बच्चों के कपड़े सी सी कर जी लूंगी, मुझे चाहिए कितना, लेकिन मैं दवाई के पैसे नहीं लूंगी। तो कौन सा सोने का दिन होगा, मेरे रूपी से गुड़िया के हाथ पीले होंगे। चाची गुड़ियों के ही सजा बजा कर हाथ पीले किए जाते हैं, नंगी भूखी बेटियों के हाथ पीले होने का चलन कहाँ है हमारे देश में। बेटी बात जितनी सच्ची है उतनी ही दुखदाई है। अच्छा मैं चलूं। अरे मोदी, यहाँ के लोग लेने का लालच नहीं करते, देकर एहसान नहीं समझते, कपड़े सी सी कर पेट पालते हैं, भूखे रहकर भलाई करते हैं। हम किसी गलत जगह तो नहीं आ फंसे। डियर पेस्टन जी, हवस के बंदों ने अपनों का फेस भरकर मेरे दिल पर इतनी गहरी चोट मारी कि दीवानों की तरह बुखला कर मैं उस चांदी के कले से भाग आया। मुझे यकीन हो गया था कि दुनिया इंसानियत से बिल्कुल खाली और खोखली हो गई है, पर अब ऐसा लगता है कि ये मेरा ख्याल ही ख्याल था। तुम तो शायद यकीन ना कर सको, पर घायल दिल लेकर भटकता भटकता मैं जहां पहुंचा हूं वहां मुझे सच्चाई, नेकी और ईमानदारी की खूबसूरत झलक नजर आ रही है। तद्दन गाना बैठ इंसान अंबा प्रसाद दुनिया में ईमान का तलाश करने निकला है। कुत्ता यहाँ? हाँ, क्यों? यहाँ कैसे आया? मैं लाई हूँ, पाली है। भाई बहन दोनों से तो इसकी खुराक ज्यादा ही होगी। होगी तो होगी, पर रोज नहाने वालों पर भूखेगा तो सही, दो दिन से आया क्यों नहीं? दो दिन मैं अपनी कला को इस कैनवस पर उतारता रहा। ये तस्वीर मैंने ऐसी बनाई है जो मुझ पर एक दिन दौलत और इज्जत की बारिश कर देगी। अच्छा, मैं भी तो देखूं ऐसी क्या तस्वीर बनाई है तुमने। देखो क्यों हंस क्यों रही हो, अच्छी नहीं है क्या? अच्छी तो है पर नकली है। क्या मतलब? मतलब ये कि असली मेरे पास है। मैं समझा नहीं। आ दिखा। को देखते ही मुझे शक हो गया, ये तस्वीर इस कुत्ते वाले की तो है। तुम्हें कहाँ मिलती है? एक पेड़ के नीचे सो रहा था, बहुत चालाक आदमी है। 5 रुपए नगद पेश के लेके तस्वीर खिंचवाने को राजी हुआ था ये। इसमें चालाकी की क्या बात है? तुम ही तो कहते हो कि बिना मुआवजे के ना कोई काम करना चाहिए ना कराना चाहिए, वक्त की कीमत होती है। लेकिन मैंने कौन सा इसका वक्त ले लिया, ये तो सो रहा था। चलो भले वक्त पर नींद खुली, लोग सोते की जेब काट लेते हैं। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? बेहोश पड़े थे बेचारे, मैं उठवा कर लिया। क्यों, मुसाफिर खाना है ये? नहीं, दवा खाना तो है। दवा खाना है तो खराती है क्या? अपने लिए रोटी के लाले हैं और तुम दवा के लिए बीमार ढूंढती फिरती हो। तेरा भी सबके नसीब में नहीं होती है, बाप के पुण्य से मुझे मिलती है। क्यों तुम जानती भी हो इसे, कौन है कहाँ का है, इस तरह चाहे जिस एरे गहरे को सेवा धाम मिलाकर बिठाने लगी, हिप्पियों का योग धाम नहीं बन जाएगा घर? रोगी की जात पात और अता पता नहीं पूछा। मैं पूछता हूँ इस रोगी के लिए दवा दारू दाना कहाँ से आएगा? इसकी तस्वीर तो दौलत की बारिश करने वाली है ना तुम्हारे ऊपर। करेगी तो देखा जाएगा। ये लो पिछले काम के पैसे और ये नया काम टाइप करने के लिए, जाता हूँ मैं। माँ से मेरा नमस्ते कहना। भाई गिलास पानी देना। अरे पानी एक गिलास का 10 गिलास पियो, पानी का क्या छोटा है, मगर राजा साइन बोर्ड ऐसा रंगो के जनता ही जनता नजर आए, समझे? बिना रंगे भी इस बाजार में तुम ही तुम नजर आ रहे हो भाई, ऐसे को मालूम है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रंगा हुआ सियार। अरे तुम सियार भले ही कह लो, लेकिन मैं तो जनता का सेवक हूँ राजा। जनता का सेवक जनता की जेब काट कर अपनी जेब भरने वाले को कहते हैं, ऐसे को नेता कहते हैं राजा। जन सेवक, नेता बनने से पहले मेरे पैसे तो दे दो। सुनो,
कल दूर तो ना चले। बेटी बेटी आपने आवाज दी मुझे, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पिता ने आवाज दी। वो इसी तरह पुकारा करते थे। एक बात कहूं मुझे, मेरे पास 5 रुपए है, तू ले। क्यों? किसी काम आएंगे। उधार लेकर तो मैं खाती नहीं। तू वैसे ही ले लो, मैं भी तो तुम्हारा ही खा रहा हूँ। ऐसी बात नहीं थी। देखो 5 रुपए है तो बहुत कम, मगर मेरे पास है ही 5। 5, 500, 5000 मेरे लिए सब बेकार है। अपने हक के पैसों के सिवा मैं किसी से कुछ लिया नहीं करती। पर ये तुम्हारे हक के ही तो है, तुम भी मेरे लिए आगे कितना कुछ कर रही हो। मैं वो कर रही हूँ जो मुझे करना चाहिए, आप वो कराना चाहते हैं जो मुझे करना नहीं आता। बीमारों से तुम दवा के पैसे नहीं लेती, अनजानों को घर में टिका कर इलाज करती हो, सेवा करती हो, आखिर ये निभेगा कैसे? ये सदा से इसी तरह निपटाया है और यूं ही निभेगा। बेटे इस जमाने की आंखों में जाला पड़ा हुआ है, इसे नेकियां दिखाई नहीं देती और इस तरह निभाना मुमकिन भी तो नहीं। नेकियां तो दिखाने के लिए होती नहीं और मुमकिन ही उस जमाने में भी नहीं था जब मेरे पिताजी जिंदा थे, पर मुमकिन होता आया है। धन धरती जमीन उन्होंने सब कुछ दवाओं के लिए बेच डाला, पर बस्ती के बीमारों से कभी भी पैसा नहीं लिया। अगर बाप ही औलाद की आदत बिगाड़ दे तो और कौन सुधरे। बेटी अब मैं ठीक हो चुका हूँ, मुझे जाने क्यों नहीं देती? ये कैसे बताओ कि क्यों नहीं जाने देना चाहती? एक दिन इसी हालत में मेरे पिताजी जिद करके एक बीमार को देखने चले गए, बस लौट के नहीं आए। मैं इस गलती को दोहराना नहीं चाहती। आप बैठिए, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ। देखा तो नहीं, खून का जिनसे रिश्ता है वो खून निचोड़ना चाहते और पानी का जिनसे रिश्ता है वो दूध पिला रहे। अरे भैया आप ही संदाल लगा कर दो वरना मार डालेगा बेचारे को। अरे मार डाल दे तो मैं संदाल लगा दूंगा उसके। अच्छे देख लिया कैसा महाभारत बन रहा है निरंजन के घर में। हाँ देख लिया। इस बहू में भी कुछ खोट है। इन दोनों के पेट में एक खोट है, इन्हें भूख लगती है। अरे भूख किसे नहीं लगती, तुम्हें कहाँ लगती है? अरे मुझे तो इतनी भूख लगती है कि भूख के मारे रोटियां नहीं दिखती हाथों से। अब तो तू बहू ले आए तो जान छूटे। अरे हाँ आरती कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। समाज सेवा कर रही है आजकल। हाँ, एक बुड्ढे की लाश उठा लाई है चौराहे से, अपना पेट काट कर उसे जिलाने की कोशिश कर रही है। कैसी राह चलतों की दुख में दुख मारने वाली, रूप में लक्ष्मी रूप में अन्नपूर्णा की लड़की है। कोई भगवान ही होगा जो उसे पाएगा। तुम्हारा बेटा शायद भगवान नहीं है। साइनबोर्ड रंग रंग के कोई भगवान थोड़ी ही होता है। ना सही, ये धन दौलत की बारिश करने वाली तस्वीरें तो हैं तेरे पास। मालूम नहीं वो बारिश कब होगी, कहाँ होगी, होगी या नहीं होगी। आज तो मैं तुम्हें ही सुख से नहीं खिला सकता, दूसरों को क्या खिलाऊंगा। खाने की तो ये है अरुण, जो तू खाएगा वो दूसरे खाएंगे। मेरी कला तो ऐसी है माँ कि मुझे अपने खाने का भरोसा नहीं। हो सकता है कि मुझे जिंदगी भर भूखा ही रहना पड़े। अपने साथ दूसरों को भूखा मारकर मैं निरंजन बनना तो हरगिज पसंद नहीं कर सकता। तो जो जीने तक के काम नहीं आ सकती ऐसी कला को ले जाके समंदर में डुबो दे। तुम तो ऐसी बात कह रही हो कि आरती को समंदर में डुबो दो।
बड़े शहर में जाकर इलाज करवाना चाहिए था। बड़े शहर में कैसे होगा, हमारे पास रुपए ही नहीं है। रुपए का क्या है, रुपया हम किसी से ले लेंगे। किसी का रुपया हम क्यों लेंगे बेटे, रुपया नहीं होगा तो इलाज कैसे होगा। नहीं होगा तो ना सही। तुम्हारी दीदी तो अच्छी अच्छी दवाई जानती है। जानती तो है ही, दीदी ने बहुत अच्छा तेल बनाया है मेरे लिए। फिर मालिश तो दो तीन बार रोज होनी चाहिए ना। तुम्हारी दीदी मालिश नहीं करती क्या। वो तो करती है पर मैं करने नहीं देता। क्यों? खाना बनाना, सिलाई करना, दवाई कूटना छानना और पिसाई, बहुत काम करना पड़ता है उन्हें। आज से हम तुम्हारी मालिश करेंगे और समंदर की रेत में तुम्हारे पोलियो का इलाज भी करेंगे। हमें भी आता है पोलियो का एक बहुत अच्छा इलाज। Thank you.
साइकिल की घंटी बहुत सुरीली है, बिल्कुल जलता। इतनी सुरीली के हटने की वजह लोग रास्ता रोक कर खड़े हो जाते। माँ कैसी है? अच्छी है। तुम्हें समंदर में धक्का देने को कहा है? दे दो। ऐसे नहीं, चुपचाप दूंगा। कहीं वो बुद्धा, अरे कहाँ गया वो? गया? चलो बला टली, तुम भी मुसीबतों में पुकार पुकार कर बुलाती हो। इलाज कराए कि फीस तो नहीं ले गया? इतने सारे सवाल एक साथ? मेरा कसूर नहीं है, जब तुम सामने आते हो तो सवाल ही सवाल आते हैं, जवाब नहीं। इतनी उलझी हुई हूँ मैं। एकदम पहली, जो पहली हल करे उसे ना। मैं करूँगा। तो तुम ले लेना इनाम। पेपर टाइप हुए? नहीं। जानता था। फुर्सत कहा है तुम्हें समाज सेवा? हाँ। ऐसे कैसे काम चलेगा? है तो मुश्किल। आज से समाज सेवा बंद। क्यों? पहले तुम्हें अपनी देखभाल करनी होगी। मैं क्यों करूँ अपनी देखभाल? मेरे देखभाल के लिए तो कमर्शियल लाते थे। आरती, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो ना, तुम्हें इजाजत चाहिए क्या? विलायत से एक मेरे दोस्त का खत आया। विलायत से? हाँ, वो वापस घर आने वाला है। उसे यहाँ बड़े अच्छे तनख्वाह पर सरकारी नौकरी मिलने वाली है। बड़ी खुशी की बात है। वो बड़ा तंदुरुस्त अच्छे घर का लड़का है। अच्छा, तंदुरुस्ती और खानदान दोनों बड़े नसीब से मिलते हैं। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है। इसमें क्या शक है? बड़ा शान शौकत वाला, बड़ा दिलचस्प आदमी है। शादी हो गई? नहीं। ऐसा लड़का अब तक खाली? इसीलिए तो आ रहा है। अच्छा, शादी करके हिंदुस्तान में बसना चाहता है। बहुत अच्छे। ये उसकी तस्वीर। खूबसूरत है। पसंद है? इसे कौन ना पसंद करेगी? कौन की बात छोड़ो, तुम्हें पसंद है? पसंद तो इसकी है। मेरे ख्याल में तुम जैसी लड़की के लिए हर तरह से लायक लड़का है। मैं भला क्या हूँ इसके साथ? तुम क्या हो वो मैं जानता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें लड़का पसंद है या नहीं। किसी लड़की के लिए इससे बढ़कर नसीब की बात और क्या हो सकती है? तो मैं लिख दूँ? बेशक लिख दो। अरुण, तुमने तो ये पूछा ही नहीं क्या लिख दो। क्या लिख दो? लिख दो जहां हो ठीक हो, इतने लंबे सफर का खतरा क्यों उठाना चाहते हो बेकार? दादाजी। हाँ बेटे। आपने सर्कस देखा है? हाँ देखा है। सर्कस से तो लोग रस्सी पर चलते हैं ना? हाँ चलते हैं। मैं तो धरती पर भी नहीं चल सकता। अरे धरती पर क्या बेटे, इस इलाज के कुछ दिनों बाद तू घोड़सवारी करेगा। घोड़सवारी करूँगा? मैं घोड़े पर बैठूंगा। हाँ, एक दिन ऐसा होगा तू घोड़े पर बैठकर अपनी दीदी को साथ लेके दूर बहुत दूर सोने का मंदिर देखने जाएगा। सोने का मंदिर दीदी को साथ लेकर? और क्या, दीदी डोली में होगी और मुन्ना घोड़े पर, लाल लगाम और पीली काठी वाला घोड़ा, हाथ में एक सुनहरी चाबुक होगा और एक चांदी की चमकीली तलवार लगाए जैसे नन्ना मुन्ना शहजादा आ जाए। आगे आगे होगी डोली, हुमनक 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 हुमनक। पीछे पीछे मुन्ना शहजादे का घोड़ा टगबग 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 टगबग, घोर अंधेरा जंगल। मन में दीदी घबराती थी, मुन्ना लेकिन एकदम पक्का राज बहादुर। तभी अचानक दूर से आवाजें आई, डाकू आ गए डाकू, डाकू आ गए डाकू। चिल्लाए, भागो
भागो दौड़ो जान बचाओ, आओ भागो भागो आओ। दीदी भी चिल्लाई कुंदन कुंदन, लेकिन वहीं खड़ा था, बोला दीदी तुम मत घबराना, मैं जो साथ हूं तेरा मुन्ना। धमसे घोड़े पर से कूदा, झट से फिर तलवार निकाली, बाएं हाथ से ढाल संभाली। देख खनाखन खन खनाखन खन खनाखन की तलवार चमकती जाती थी, डाकू की जो फौज थी सारी हटती जाती थी। मुन्ना लेकिन गुस्से में था, लातों से तलवार से मारता जाता था, किसी को मुक्का, किसी की चटनी, किसी का मुर्ता। और डाकू तब ना भागने लग गया। ओहो, कैसे भागे कैसे भागे, उल्टे सीधे लंगड़ी खाके कलाबादी भागे। साइंस चढ़ गया पेड़ पे, कोई झाड़ी में कोई जाके अटका। छीछी कैसे भागे, हाथ छुड़ा के दौड़े भागे, गर्दन मुंडी छोड़ के भागे। दीदी बैठी कांप रही थी, सोच रही थी, हांप रही थी। पसीना पूछता मुन्ना पास आया और बोला, दीदी भाग्य बुजदिल, जीत ली पानी पत की एक और लड़ाई, डोली छोड़ के दीदी झट बाहर आई। गले लगा के रोते रोते बोली, कुंदन मेरा अच्छा कुंदन, राज बहादुर कुंदन मेरा, साथ था वरना कौन बचाता। अरे मुन्ना, ओ मुन्ना, क्या है दादाजी? अरे तू क्या सोच रहा है बेटे? दादाजी ये कहानी कभी सच भी होगी? अरे होगी क्यों नहीं होगी, और जरूर होगी। अरे भाई सुनो, अरे भाई पेट जैसे चित्रकार कहाँ हो, तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते आजकल। मैं तो समझा था कि तुम चले गए होगे। कहाँ, जहाँ से आए थे और कहाँ? भाई मैं तो दरख्त के नीचे से आया था, फिर वहाँ जाकर क्या करूँगा। तबीयत तो ठीक हो गई है ना? हाँ, तुम्हारी मेहरबानी है। अब इस तरह डेरा डाले रहने की वजह? उस बच्चे का इलाज कर रहा हूँ। अरे वाह, अब ये जाल फैलाया है? जाल? मुफ्त की खाने का चस्का भी बहुत बुरा होता है। हाँ, तुम्हारी बात ठीक हो सकती है,
पर आदमी की आदमी से मोहब्बत भी तो कोई चीज है। आदमी अगर आदमी से किसी लालच में पड़कर मोहब्बत करे तो उसके गर्दन में रस्सा बांध कर उसे खूंटी से टांग देना चाहिए। अरे भाई सुनो, ए भाई सुनो, लालच के बिना मोहब्बत है, मैं समझा नहीं तुम क्या कह रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं तो बीमार आदमी हूँ। बीमारी अमीरों का शौक है, गरीब आदमी को बीमार होने का क्या हक है? भाई बीमारी अमीर गरीब सब पर आती है, गरीब बेचारा अगर बीमार हो जाए तो क्या करे? मर जाए और क्या करे? मर तो मैं गया ही था मगर मुझे बचा लिया गया। ये बचाने वाले की नादानी है, पर किसी की नादानी से फायदा उठाना भी तो आदमी नहीं है। ए, एक बात पूछूं, तुम कौन हो उस किसी के? मैं कुछ हूँ या ना हूँ, तुम कौन हो? ये तो तुम उस किसी से ही पूछना, उसे मैं बाप जैसा लगता हूँ। क्या जमाना आ गया, भीख भी लोग बाप बनकर मांगते। पेंटर साहब, लोग नहीं मांगते, बाप बनाकर लोग भीख देते हैं। देने वाले दिया करें, पर किसी को बेटी बना के भीख ली भी तो नहीं जाती हिंदुस्तान में। जाने के लिए ठिकाना नहीं है, अगर यही जमना तो कुछ काम धंधा करो। अरे भाई मैं थका हारा लाचार आदमी हूँ, बैठे बैठे पूजा भजन के सिवाय और कर भी जा सकता हूँ। करना चाहे तो आदमी के लिए 100 काम है, दूसरों के दम पर जीने से तो बूट पॉलिश करके पेट पालना पूजा पाठ से भी ऊंचा काम है। ये कब कब के बदले लिए हैं तुमने मुझसे? क्यों, क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, जब से तुम्हारी दवाई हलक में गई है, जबान बाहर निकल आई है मेरे बच्चे की, पुतलियां माथे पे चढ़ गई है और ना कुछ खाता है ना पीता है, उसकी कर्रा है सुन सुन कर मेरा कलेजा छलनी हुआ जाता है। जब मैं समझ में नहीं आया था तो दवाई देने की जरूरत क्या थी, साफ इनकार कर देती थी, मैं तो तुम्हारी दुश्मन तो नहीं थी। ये कैसे हो गया? कैसे हो गया ये तो मैं नहीं जानती, मैं तो बस इतना कहूंगी तुमने जानबूझकर मेरे बच्चे को ये दवाई दी है। क्या कह रही हो तुम, ऐसा भी कोई करता है? ऐसा हुआ है ये तो साफ जाहिर है, मैं नसीब और जली मुफ्त की दवा की लालच में आ गई और नीम हकीमों के चक्कर में फंस गई, वरना सीधी सिल्वा कंपाउंडर के पास नहीं जाती। अब देखो तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ और मेरी मेरे साथ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं दरगाह पे जाके दामन फैला के तुम्हें बदवा दूंगी। हाँ, दो गोली में मेरे बच्चे की जान ले ली। हाय हाय, अरे सुनना, वो दो गोलियां तुमने अपने बच्चे को दी थी? हाँ हाँ, दो गोलियां, वही जान मार दो गोलियां। अरे बाबा, वो दो गोलियां तो बकरी के बच्चे के लिए थी, और वो दो पुड़िया, वो पुड़िया पुड़िया तुम्हारे बच्चे के लिए। क्या, दो गोलियां बकरी के बच्चे के लिए थी और पुड़िया मेरे बच्चे के लिए? हाय अल्लाह, ये मैंने क्या किया, पुड़िया मैंने बकरी के बच्चे को दे दी और दो गोलियां अपने बच्चे को, अब क्या होगा? अब मैं तुम्हें दूसरी दवा देती हूँ, अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। अब मैं दरगाह में जाकर दामन फैला के तुम्हारे लिए दुआ मांगूंगी। मैंने तो पुड़ियों पर लिख दिया था कौन सी दवा किसके लिए है, अब मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। घबराइए मत, ये दवा देते ही अच्छा हो जाएगा। मैं दवाई तो दे देती हूँ पर कुछ खुराक भी देनी चाहिए बच्चों। अरे खुराक कहाँ से देंगे बीवी, मैं अपने मियाँ की तीसरी बीवी हूँ और अभी एक की और गुंजाइश है, 6 बच्चे 100 थे और माशाल्लाह से 3 मेरे अपने, कुल मिला के 1.25 दर्जन। अब तुम ही सोचो, 1.25 दर्जन बीवियों वाला ताड़ी का जमादार 1.25 दर्जन बच्चों को खुराक क्या देगा। ये तो ठीक है, शुक्रिया। अब दीदी वो बकरी के बच्चे की दवा भी दे दो ना। नहीं नहीं, दोनों एक साथ लेना। अच्छा, खुदा हाफिज। एहसान के बदले में गालियां खाने से पेट भरता है या दिल? घबरा गई थी बेचारी, मगर गलती तो उसी की थी और उसकी मजबूरियां हैं। बेटे, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मंद हूँ और कष्ट देना नहीं चाहता, सोचता हूँ यहाँ से चला जाऊँ। अभी आपकी जाने की हालत नहीं है, आप मुझे अपने लोगों का पता दे दीजिए, मैं उन्हें यहाँ बुलवा लूंगी। मेरा अपना कहीं कोई भी नहीं है। तब तो मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगी। बूढ़ा, बीमार, लाचार, बहुत बोझ होता है ऐसे आदमी। आदमी बूढ़ा हो और बीमार भी हो, हमारे लिए बहुत हल्का। बेटी, मैं बहुत तकलीफ दे चुका हूं तुम्हें, अब और कब तक देता रहूंगा? रोकूंगी कैसे, कोई
कुछ आराम तो आपको दे नहीं सकी। बीमारी से उठते ही मेरे फिक्र का बोझ आपके सर आ पड़ा। बदबू से घिरा हुआ घर, रूखी सूखी रोटी, उस हालत में आपको रोक भी तो नहीं सकती। देखो जी, अगर ऐसी बातें करूंगी तो मैं इस घर में धरना मारकर बैठ जाऊंगा, हाथ जताने और हुक्म चलाने लगूंगा, फिर शिकायत नहीं करना। वो भगवान होते हैं जिन पर कोई हाथ जताने हुक्म चलाने वाला होता।
सामान ले आया हूँ, 2 रुपए मेरे पास नकद है। बाहर निकलते ऐसा क्या धंधा मिल गया आपको? उधार ना उधाई, पाई की लागत से चवन्नी की कमाई, बूढ़ों के लिए बहुत बढ़िया काम, सारा नकद ही नकद, यानी के बूथ कॉलेज। बूथ कॉलेज? आप और बूथ कॉलेज, क्या जरूरत थी आपको काम करने की? हाँ, दूसरों के दम पर पेट भरने से तो बूथ पॉलिश करके पेट पालना पूजा पाठ से भी ऊंचा काम है। ये लो 2 रुपए तुम रखो। आप अरे बाबा तुम रखो ना। रखी ना। अरे मेरी पहली कमाई है, कहीं जेब कट गई तो रखो। इससे हाथ लगा तो अच्छा ना होगा। देखकर चला आया सुच्चा, वो जूते क्यों नहीं मारे तूने निरंजन के मुंह पर? थाने में जाकर रपट क्यों नहीं लिखवाई उसकी? बड़े बूढ़ों की पंचायत में बिठाकर उससे ये क्यों नहीं पूछवाया कि कमी ने जब तुझमें औरत रखने की ताब नहीं थी तो पीटनी बजवा कर साथ फेरे फिरने की जरूरत क्या थी तुझे? ऐसे को तो सरकार दरबार में कोई सजा ना हो तो मुंह काला करके गलियों में घुमाना चाहिए। अरे वाह, मुझे तो हाथ लगाने नहीं देता और बड़े बूढ़ों से मालिश करा रहा है। मालिश के लिए नरम हाथों की जरूरत होती है, तुम्हारे हाथ जरा सख्त हैं। लेकिन काम तो ये मेरा है ना। और बहुत काम है तुम्हारी अकेली जान के लिए। काम तो होते ही है पर अकेली कहाँ हूँ। अब तो आप आ गए हैं। वो तो सही, मगर आपके होने पे है मुझे ताज्जुब। क्यों? तुम अकेली हो और इस तरह घर में एक अनजाने को टिकाते हुए मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ये तो ठीक ही है, अनजाना अगर अनपहचाना हो तो टिकाना चाहिए भी नहीं। मुझे पहचानती हो? कैसे? मेरे पिता कहा करते थे आदमी का चेहरा उसके चाल चलन का आईना होता है। यह आईना धुंधला भी हो सकता है। हुआ करे, आंखें ठीक होनी चाहिए। कभी कभी आंखों देखी गलत भी हो जाती है। वो कैसे? आज के आदमी का मुंह उजला और मन काला है, धोखा भी हो सकता है। मेरी माँ तो कहा करती थी धोखा देने से धोखा खाना अच्छा है। ये तो जमाने से उल्टी बात है। उल्टी सीधी जमाना ही जाने, पर बुरा तो धोखा देने वाला ही होता है, धोखा खाने वाला नहीं।
जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मुझे भरोसा होता जा रहा है कि दुनिया अभी ईमान से खाली नहीं है। मैं जिन लोगों के बीच में हूँ, वकील साहब, वकील साहब, पेशेंट जी साहब, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। पुलिस, पुलिस, आप ये क्या कर रहे हैं? वकील साहब, जानते हैं मेरी शादी को कितने साल हो गए? 12 साल। बच्चे कितने हो गए? 11। और मेरी बीवी तलाक मांगती है, कहती मैं उसे चाहता नहीं। डैम फुल, ठीक कहा आपने, डैम फुल है, बिल्कुल डैम फुल है मेरी बीवी। कोई बात समझते नहीं, कितनी समझाने की कोशिश की मैंने। वकील साहब, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं? खड्डा मा जाओ नहीं तो मैं खड्डा मा जाओ, खड्डा मा जाओ। आप वकील हैं या बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर? मैं आपकी मदद लेने आया हूं। इडियट, इडियट, आपने मुझे इडियट कहा? मैं आपकी सलाह लेने आया हूं, आप मुझे इडियट कहते हैं? ये कहां की शराफत है? शराफत, इंसानियत, ईमानदारी, नॉनसेंस, ये सब जूना पुराना दिखने का वर्ड है, आउट ऑफ डेट, यूज माना थी। अगर यही बात है तो मुझे भी कुछ उल्टा सीधा करना पड़ेगा। तब मेरे को एब्सोल्युटली डैम फुल तरीका बिहेव करना है तो करो नहीं, do it and go to hell. You go to hell. तमें काय को बम मारता है? बेसो नहीं, बाहू बेसो नहीं। बैठू क्यों बैठू, आपकी गालियां सुनने को? तमेरे को किधर गाली दिया? हम तो अपना दूसरा क्लाइंट को गाली देता था, अम्बा प्रसाद को। अरुण, 2 दिन नहीं है। क्या बात है, तुम्हारा मेहमान नजर नहीं आ रहा। अभी होंगे, काम पर गए। काम करने लगा है? क्या? बुधवार। अच्छा, ये काम नहीं करना नहीं चाहिए। क्यों? ये कोई करने का काम है? काम कोई नीचा नहीं होता। दूसरों के दम पर पेट भरने से तो बूट पॉलिश करके पेट पालना पूजा पाठ से भी ऊंचा काम है। इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? बात कुछ सुनी हुई लगी। पेपर टाइप हुए? सब सुनी हुई। जितने हुए सब ले। और कुंदन साहब, बुढ़े के इलाज से कुछ फायदा हुआ? अभी तो कुछ पता नहीं। हो भी जाए शायद, कुछ दिन करके देखना चाहिए। ऐसा लगता है जैसे मोती बिखेर दी उनका। इतनी सफाई है तुम्हारे काम में, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मिलता भी क्या है? 2-4 रुपए ना। लो रख लो, रख लो ना। अगर ये काम मैं तुमसे कराता तो कहीं ज्यादा देता। चलो, कोई तो हमदर्द है मेरा इस दुनिया में। दादी आ गया घर में। अरे यहाँ आइए, चलो मोती अंदर चलो। कुत्ता पालना? अरे बड़ा भौंडा जानवर होता है ये, कुत्ता पालना किसने सिखाया तुम्हें? अरे क्या भरोसा दादा, जरा मैं बुक्का मार ले, खून खच्चर अलग और दुकानदारी का सत्यानाश अलग और 14 इंजेक्शनों का खर्चा अलग। अच्छा, आप भी है पेंटर साहब? भैया धंधा कैसा चल रहा है? बिक जाती है एक-आध दो तस्वीरें? नहीं बिकती होंगी बेटा, नहीं बिकती होंगी। अरे तुम कचरा जैसी तस्वीरें बनाते हो तो बिके कैसे? अरे गणेश लक्ष्मी बनाओ, सीताराम बनाओ, हनुमान, बाली, सुग्रीव, बेटा 33 करोड़ देवताएं हिंदू धर्म में, ये तो हो ही नहीं सकता ना कि देवता ना बिके। पानी पीने? पानी वानी कुछ नहीं, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। नाराज आप जरूर होंगे, लेकिन कोशिश तो मैंने बहुत की पर इस बात करने से। देखो जी, ये है धंधा, कुछ न कर सकने का तो मतलब ही कुछ नहीं होता ना। अरे 4-4 महीने का ब्याज छोड़कर मैं जीता बचूंगा। अगले महीने भर दूंगी। अगले महीने? अरे अगले महीने तक तो पटरा हो जाएगा मेरा। अब ये बात नहीं चलेगी आरती, मैं स्वर्गवासी वैद्य जी महाराज का लिहाज करके चुप रह जाता हूँ, वरना ब्याज बिना तो बनिए की छाती फट जाए। पेंटर साहब है मैं खड़ी बात। अरे वैद्य जी महाराज मेरे पास आके गिड़गिड़ाने लगे तो मैंने ये खंडहर जैसा मकान गिरवी रखकर रकम पकड़ा दी। मुझे क्या पता था कि वो रकम की भसम करके खुद तो मर जाएंगे और लौंडिया के पास ब्याज के पैसे भी नहीं छोड़ेंगे। पिताजी का नाम न लीजिए, उनका जो कुछ भी देना है मैं दूंगी आपको। ओहो, दोगी क्यों नहीं? अरे तुम ही दोगी बेटी, और देने वाला है कौन? लेकिन मैं असल का तकाजा करने थोड़े ही आया हूँ, मैं तो ब्याज को जीत रहा हूँ। 15 दिन में ब्याज चुका दूंगी पिछला। जीती, खुश रहो बेटी,
लेकिन वादा चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो साख बिगड़ जाती है। आजकल तुम मेरे घर की तरफ कभी आती नहीं, घर में से पूछ रही थी तुम्हें तबीयत ठीक नहीं क्या? अरे तबीयत तबीयत का है कि दीदी कुछ ऐसा भसम चटा दे उसे कि मरते दम तक हट्टी कट्टी बनी रहे, तेरे गुन गाएगी। तो मैं जा रहा हूँ, राम राम पेंटर साहब। अरे हटो सामने से कमीना, सूद खोर। ये क्या बात, उसका पैसा सूद ही लेगा? वो लेगा, पर कितना लेगा? अब तक कितना दे चुकी हो? याद नहीं। बेरहम बेशर्म लोग हैं, गरीबी के दुख से बिल्कुल अनजान। इन्हीं लोगों ने आदमी आदमी में अमीर गरीब का भेद पैदा किया। क्या किया जाए? मोल से दूना सूद खा खा कर पेट इनकी छाती पे चढ़ गया। फाड़ देना चाहिए ऐसे सौकारों को। मैंने फाड़ दिया तो इलाज ही मुझसे ही कराएगा वो। अब ब्याज कैसे भरोगे? सिलाई करके टाइप करके तुम्हें काम ज्यादा लाना पड़ेगा। 15 दिन तक ब्याज के पैसे जोड़ोगे तो खाओगी क्या? नहीं खाऊंगी। खाना बंद करके एक बार ब्याज के पैसे भर दोगी, फिर अगली बार क्या करोगी? जिंदगी भर का ठेका लेने के लिए तुम तो हो नहीं। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। दो गरीब मिलकर एक अमीर नहीं बना करता। मैं तुम्हारे दरवाजे पर प्रकाश धीरे को आते जाते हुए नहीं देख सकूंगा। मैं तुम्हें भूखा मर मर कर कर्ज चुकाते हुए नहीं देख सकूंगा। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, अपने अरमान पूरे करने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ कंगाली के कांटों में नहीं घसी दूंगा। मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए महल सा घर और राजा सा वर ढूंढे बिना चैन की सांस नहीं ले सकूंगा। आरती बेटे, क्या बात है? मैं तुम दोनों को जब भी साथ देखता हूँ किसी न किसी बात पर झगड़ते ही देखता हूँ। नहीं झगड़ा तो कुछ नहीं, जिंदगी के दो राह पर खड़े दो आदमियों की एक रास्ता चुनने के लिए कशमकश। बेटे, लड़कियों के मुश्किल का हल किसी न किसी के साथ पल्ला बांध के जाना ही। दादाजी, मेरे पल्लू में मेरा एक अपाज भाई बन रहा है और मैं ये हरगिज सहन नहीं कर सकूंगी कि कोई भी मेरे इतने प्यारे दहेज को जरा सा भी बोझ समझे। सुनिए सुनिए, आप ही का नाम श्री शादीलाल है? आपको क्या लगता हूँ जी? आपको मेरे चेहरे पे तेज नजर नहीं आता? अजी जनाब, मैं तो बड़ा मशहूर आदमी हूँ। कभी वास्ता नहीं पड़ा इसीलिए? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुझसे किसी का वास्ता ना पड़ा हो। आपका नहीं पड़ा, ये आपकी बदकिस्मती है। अच्छा छोड़िए, बताइए क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, इरिटेटेड वाटर? इरिटेटेड? ओहो, मेरा मतलब है सोडा, लेमन? ठीक, कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे वाह, आप तो बड़े समझदार आदमी है। हाँ। मैंने सुना कि आप शादियां कराते हैं जी। आपने आज सुना है? अजी श्रीमान, मैं गुड्डे गुड्डियों से लेकर गुड्डा गुड्डियों तक का जोड़ा मिलाने का ठेका लेता हूँ और इस गारंटी से लेता हूँ कि अगर 4 साल में कन्या पुत्र न हो जाए तो तलाक देकर मैं खुद शादी करता हूँ। मैं उनकी शादी फिर से कराता हूँ। ये लीजिए, पसंद करके उंगली रख दीजिए, आगे शादी लाया कर दूंगा। ये लोग भी आप ही के जरिए शादियां कराती हैं? अजी महाशय, ऐसा है कौन जो हमारे जरिए शादी नहीं कराता? एक बात पूछो। पूछिए। ये जिनकी तस्वीरें हैं इनमें से किसी की शादी होने की खबर किसी अखबार में तो नहीं छपी? इनकी तस्वीरें फिल्म एक्ट्रेसेस की? आपने तो मेरा प्राइवेट एल्बम देख लिया, इसकी दिखाने की तो मैं फीस लेता हूँ। आपने तो फ्री पास में 1 करोड़ रुपए की पिक्चर देख ली। आपका तो ये एल्बम है, ये लीजिए। शादीलाल जी, जी ये तो लड़कियों की है, मुझे लड़कों की तस्वीरें दिखाइए। अजी जनाबे आली, नए गजर का जमाना है न वो मुल्क है, आप जरा मुंह संभाल कर बात कीजिए। आप समझे नहीं, मुझे लड़की के लिए लड़का चाहिए। लड़की अच्छे घराने की है, सुशील है, सुंदर है, मेहनती है, कोई ऐसा गुण नहीं जो उसमें ना हो। लड़का रहीस चाहिए, शरीफ चाहिए। तो इतना वक्त खराब करने से पहले ही बता दिया होता।
टाइम इज मनी ट्री यू नो। ये लो, इसमें रईसों के लड़कों के लेटेस्ट मॉडल्स हैं। लेकिन ये शर्त नहीं कि लड़का शरीफ हो और रईस भी हो। हर तस्वीर के नीचे उसके माँ बाप का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है, जरा गौर से पढ़ लीजिए और मुझे फिर बता दीजिए। अरे तुम यहाँ, आपने ये किसी लड़के की तलाश में आए हो क्या? नहीं, लड़के की तलाश में। लड़के की? किसके लिए? आरती के लिए। आरती के लिए? हाँ। लेकिन मैं तो समझता था कि तुम उससे प्रेम करते हो। प्रेम करता हूँ, इसीलिए तो आया था। मैं तुम्हारा मतलब समझा नहीं। तुम क्या करोगे समझ के? फिर भी समझाओ। मैं इतना गरीब और लाचार आदमी हूँ, ना उसका कर्जा चुका सकता हूँ, ना उसके अपाच भाई का बोझ झेल सकता हूँ, ना उससे शादी करके उसे सुख पहुंचा सकता हूँ। कुछ नहीं कर सकता, पर अपनी चाहतों का जनाजा निकाल सकता हूँ। इसी की तैयारी के लिए आया था। अरे भाई, तुम अजीब आदमी हो। मैंने आज तक किसी प्रेमी को हिसाब के सवाल सुलझाते हुए नहीं देखा, और फिर तुम तो आर्टिस्ट हो। आर्टिस्ट कोई हवा खाकर प्रेम करता है क्या? नहीं, ये तो नहीं कहता। मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसके साथ जाति नहीं कर सकता। जो आजादा खाकर किसी तरह जी रही है, मैं उसे अपनी भूख में शामिल करके जान से नहीं मार देना चाहता। मैं ब्रश चलाता हूँ, खांडे नहीं। सुनो, अगर तुम्हें कहीं से 5 लाख रुपया मिल जाए तो? कहाँ से मिल जाए? समझो कि कोई दे दे। क्यों दे दे? और अगर कोई दे भी दे तो मैं क्यों लूं? मैं किसी से खैरात लिया नहीं करता। How beautiful it is. I think it's a lovely imagination. कमाल है साहब मॉडर्न आर्ट। एक एक ब्रश में एक एक हजार भेद भरे पड़े हैं। नजर हो तो नजारे ही नजारे हैं जनाब। मॉडर्न आर्ट की तारीफ ही ये है, बस आप देखते जाइए और गुल सा खिलता चला जाएगा। I'm sure it is a work of a foreign genius. क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है कि ये क्या है? जनाब ये मॉडर्न आर्ट है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे ने आंखें बंद करके कूची फेर दी। वेल सेड, वेरी वेल सेड, बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया आपने। शुक्रिया। देखा आपने, ये हाल है हमारे देशवासियों का। अपनी तो अकल नहीं और दूसरों की मानते नहीं। अरे साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? ये पेंटिंग देख रहे हैं। पेंटिंग? पेंटिंग? आपकी तारीफ? जी मैं कुछ नहीं, बस यूं समझिए थोड़ी सी नजर रखता हूँ, आर्टिस्टों की कदर करता हूँ, बस यही मेरा शौक है। इस शौक ने तो आपको यहाँ लाके बुरा मारा। यहाँ क्या रखा है? अजी आंखें, कुदरत का जो नजारा देखने के लिए तरसती हैं, वो तो यहाँ बिखरा पड़ा है। आप बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं। शुक्रिया। आप कुछ देखना चाहेंगे? कुछ किस्मती, ये कुछ बात हुई, आपने कैनवस पर हुस्न उतार लिया। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या छोड़ दूं और क्या ले जाऊं। बहरहाल इस सोते हुए बूढ़े और इस मुस्कुराती हुई मरियम की तस्वीर अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मेरी आर्ट गैलरी में एक बहुत बड़ा इजाफा कर दिया। आप ये स्लीपिंग ब्यूटी तो शौक से ले जाइए, लेकिन माफ कीजिएगा, ये तस्वीर मैं आपको दे नहीं सकूंगा। क्यों भला? ये बेचने के लिए नहीं। आप फिक्र न कीजिए, ये तस्वीर जिस जगह लगाने लायक है वहीं लगाई जाएगी। इसमें शोभा नहीं है, लेकिन मैं दूंगा नहीं। मेरे ख्याल में देवी तो मंदिर में ही देवी है, गलियों में तो खिलौना है। इस सच्चाई को शायद मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन इस देवी के लिए मंदिर मेरी हाथों से बनेगा। जैसा आप मुनासिब समझे, मैं आर्टिस्ट के एहसास को छेड़ना नहीं चाहता। ये लीजिए। जी? ये लीजिए 500 रुपए और ये स्लीपिंग ड्यूटी आप मुझे दे दीजिए। माँ, मैं कहता नहीं था तुमसे, 5 रुपए की तस्वीर 5 लाख तो नहीं लगी, लेकिन
100 रुपए तुम रख लो घर खर्च के लिए, मैं जरा जाता हूँ। हाँ इंतजार मत करना, देर हो जाएगी मुझे आने में। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, के ये सिलसिले कब से चले, ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन दिन दिन, दिल बस में ये न मन कोई रस में ये, रहे न दिल बस में ये न मन कोई रस में ये, के खाऊं मैं तो कस में ये उन्हें है पता, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, कि जग चाहे रूठे ये, कि जग चाहे छूटे ये, नाता नहीं टूटे ये हाँ। आ गुजर जाए दिन दिन दिन, कभी ये मेरा मन चाहे भूलो के जहाँ हूँ साए, जहाँ पे हर दिल गाए सुन प्यार की, जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, जमाने चाहे हो जाए वहीं पे जाके सो जाए, वहीं पे जाके खो जाए हाँ। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, किसी की हाय यादों में, किसी की हाय बातों में, किसी से मुलाकातों में, के ये सिलसिले सब से चले, ख्वाब मेरे हो गए रंगीन। गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन 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 के हर पल गिन गिन गिन, गुजर जाए दिन कुंदन कुंदन कुंदन, आज मार दिया पापड़ वाले को, आज तुम्हारे लिए असली की तरह नकली पाव लाया, इसे पहनकर मोती के पीछे भागना। ये कहाँ से लाया? 20 मील की दौड़ लगाई है साइकिल पर, सरकारी अस्पताल से लाया। ये तो बहुत महंगे होंगे, इतने रुपए कहाँ से आए? ना जाने कहाँ से एक दीवाना दीवाने को ढूंढता हुआ चलाया। बस फिर क्या था, ये तुम्हारे बुढ़े मेहमान की तस्वीर देखकर लट्टू हो गया और 500 रुपए दे। लो 300 रुपए उस बनिए के मुंह पर मारना, लो रख लो, काम आएंगे। काम आएंगे इसलिए तो दे रहा हूँ। क्यों नहीं लोगे? माँ को दे देना। माँ को दे के हम, तुम ले लो, ब्याज नहीं दोगी तो बनिया तुम्हें बेघर कर देगा। देखा जाएगा, लेकिन ये रुपए मैं नहीं लूंगी। आखिर क्यों नहीं लोगी? मुझे भी तो मालूम हो, ये तुम्हारे मेहनत के रुपए हैं, इन पर मेरा कोई हक नहीं। दान नहीं दे रहा हूँ, कर्ज दे रहा हूँ। अच्छा, ब्याज क्या लोगे? आरती, मैं उस सौकार आदमी से तो अच्छा हूँ ना, तो इतना याद रखना, इससे ज्यादा ब्याज नहीं लूंगा। अरे क्या बात है, हमें भी बताओ, हम भी ऐसे तुम्हारे साथ। अरे ये क्या है, कहाँ से आया? इनकी एक तस्वीर दिखी है, आज ही ले आए।
अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसे नहीं चलेगा, मुंह मीठा कराओ। मंदिर से हुआ है, लौट कर कराऊंगी। अच्छा जा जा जा, क्या खूबसूरत बना है, वाह 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 वाह। देखो वहाँ क्या हो रहा है। जो हो रहा होने दो, हमें क्या करना है, चलो ना वहाँ चलते हैं। ओहो चलो। ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। सारा घूर के तेरी कसम आए लाज मुझे, हाय कैसे संभल के मैं आऊं, संभल के मैं ढलती चुनर मोरी पायल बजे। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। तू ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। है कैसी मदहोशियाँ, ऐसे में रहो ना यूं तुम जुदा, चाहो तो ले लो मेरी जान भी, यूं दिल को दो ना मेरे तुम सजा। सोचो जरा ये कभी दिल जो रहेगा दुखी, दो जिंदगी में भला क्या है मजा। चंपावती दुआरा, चंपावती दुआरा। तू ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। तेरे मेरा नाम रहे, मैं भी तू चाहूँ मेरे प्यार का, तुझे सदा इंजाम रहे। मांगू दुआएं मैं तो ये सदा, होठों पे तेरे मेरा नाम रहे। मैं भी तू चाहूँ मेरे प्यार का, तुझे सदा इंजाम रहे। ना हम पुजारी कोई, ना हो पिताई कोई, चाहे जमाना हमें कुछ भी कहे। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा। ना हो तो कहीं दिल ये लगे ना मेरा, ओ मेरी प्राण सजनी चंपावती आजा, हाय लेकर चैन यूं मेरा दूर तू मुझसे ना जा। कैसी मस्ती छाई है, मैं दिल रंग पर आई है, लेकिन मेरे इस दिल में सच पूछो तन्हाई है। चंपावती तू आजा, चंपावती तू आजा, चंपावती। कैसी सुरीली तेल लगाकर उसने अपनी प्राण सजनी चंपावती को पुकारा, और चंपावती ने चाहा वो भागी चली जाए, भागी चली जाए, और अपने बाहों के हार उसके गले में पहना कर कहे, ले मुझे ले ले, मैं आ गई।
सपना मैंने भी इसी तरह देखा था आरती। ऐसे झिलमिलाते हुए सपने सच होने के लिए ही आते हैं। सच्चाई में और सपने में पलक झपकने भर की दूरी आरती। ऐसे नीचे सपने देखकर जिंदगी भर पल के झपकी ही रहे तो अच्छा है। और जिंदगी के छटके खाकर पलक खुलने से पहले ही जाग जाना अच्छा है। आंखें मूंद कर ही पाया जा सकता हो तो खोलना जरूरी है अरुण। पाया नहीं, पाना है आरती। पाने के लिए आंखें खोलनी पड़ती है। जिसे पाना हो वो खोले, मुझे तो पा गया। नहीं पाया आरती, आंखें खोलकर तुम्हें सच्चाई को देख नहीं होगा। कानों से तुम्हें सच्चाई सुननी होगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। नसीब मेरा कि अकेले में लाकर मुझसे कुछ कहने का दिन तो आया तुम्हारे सामने। आज का दिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा दिन है जैसे मजनू की जिंदगी में अपने खून का कटोरा भर के भेजने का दिन था। हाय, मैं तो दूध का कटोरा भी भर कर न भेज सकी। आज मैं तुम्हें अपना दिल खोल कर दिखाऊंगा। इसी दिन के इंतजार में मैं जी रही थी। तुम ये तो जानती हो ना कि तुमसे ज्यादा प्यारी चीज इस दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। जानी हुई को भी सुनना अच्छा लगता है अरुण। और तुम्हें सुखी देखने के लिए मैं अपने हर अरमान को कुर्बान कर सकता हूँ। वो पहली बात जानने के बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता अरुण। पर तुम्हें ये जानना बाकी है। मैं इस फैसले पर पहुंचा हूँ कि अपनी इतनी प्यारी चीज को अपने अरमानों में उलझाकर उसे दुख के सिवा और कुछ नहीं दे सकूंगा। भूखे पेट ना प्यार किया जा सकता है, ना कराया जा सकता है। इस भीड़ भरी बस्ती में शादी करके घर बसाने का सपना गरीब आदमी को नहीं देखना चाहिए। मैंने ये फैसला किया है कि मुझे तुम्हारी शादी कहीं और करा देनी चाहिए। मैंने लड़का तलाश किया है, रहीस है, बहुत मालदार है। अपने अपाज भाई की फिक्र से छूटकर तुम उस राजा के घर में बहुत सुखी रहोगी। और तुम्हारे सुख में सुख मानकर मैं अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। प्रेम के लिए खून करने वाले और खुदकशी करने वाले प्रेमी तो सुने थे मैंने, पर जान से प्यारी प्रेमिका को दूसरों के हाथों में सौंपने वाले प्रेम भी नहीं सुने थे। भाग्य से आज दर्शन हो गए। तुम्हारी तो आरती उतारनी चाहिए मुझे। आरती? हाँ, ना मत लो मेरा। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझसे ऐसी बातें करते हुए? अपने अपाज भाई का मैंने तुम्हें कब जिम्मेदार बनाया था? तुम अपनी गरीबी का मजाक उड़ाते फिरो। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाने का तुम्हें क्या इख्तियार है? तुम हो कौन? हो कौन तुम मेरी मेरी शादी की फिक्र करने वाले? टाइप का काम लाकर तुम चाहे किसी के साथ मेरी शादी कराने वाले बन बैठे। कौन सी भीख तुमने मेरी झोली में डालकर मुझ पर यह एहसान जताने की हिम्मत की कि तुम अपने अरमानों में मुझे उलझा सकते हो? मैं अपने अरमानों के सिवा और किसी के अरमानों में उलझी हुई नहीं हूँ, समझे? दे चुकी हूँ, तू बोलता क्यों नहीं? क्या हो गया है तुझे? कुछ बोलता सही? ओह, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ। मुझे माफ कर दो। तार कसने से सुर में आता है, पर ज्यादा कसा जाए तो टूट जाता है। जब शादी टूट जाए तो संगीत कैसा? आज मुझे बहुत कपड़े सीने हैं, आपको नींद नहीं आएगी? नींद नींद तो आती रहेगी, मगर इतना काम करने की क्या जरूरत है? देनदारी तो चुका दी गई है। एक की चुका दी, दूसरे की बाकी है। सिर्फ लेनदार बदला है। नहीं टांग लग गई ना, चलो समंदर पे चलते हैं, वहाँ भागना है। आज मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? आज मेरा दिल नहीं करता। तो कोई बात नहीं, तो बाहर चलो, जरा चल फिर लो। आजा मेरे लाल, ये बड़ा अच्छा बेटा है मेरा ये तो।
इधर घूम जा, घूम जा। अब खड़े हो, शाबाश शाबाश। अब चलो चलो, ये बहुत था, कोई बात नहीं बेटे, फट गया। चलो चलो, खड़े खड़े। मैंने दादाजी का कुर्ता फाड़ दिया। क्या किया तुमने? सी दोगी ना? अरे सी क्यों देगी, नया ले आएंगे। चलो खड़े खड़े, आजा क्या? आपके लिए कुत्ता नहीं। इतना खर्चा क्यों किया? मेरा कोई खर्च नहीं हुआ इसमें। आप जो रोज पैसे दिया करते थे वही जमा हो गए थे, इससे ले। आरती दादाजी बोलो ना दादाजी, दादाजी बोलो ना। अरे रविचिया। हाँ, अरुण की माँ ने तुम्हें बुलाया है अभी। अरुण की माँ? हाँ, देर मत करना, मैं चलूँ। मुझे बुलाया था ना? हाँ बेटी, तबीयत तो ठीक है ना? अरे तबीयत का क्या, मौत भी नहीं आती मुझे तो। क्या बात है, पता नहीं क्या हो गया है अरुण को, न खाता है न पीता है, बस गुमसुम हो गया है। क्या वजह होगी तुझे कुछ मालूम है बेटी? कहाँ है वो? मुझे तो ये भी नहीं मालूम, कल तो एक चिट्ठी भी आई थी कहीं से, उसकी तस्वीरें विलायत के किसी नुमाइश में दिखाने के लिए। चिट्ठी दिखाई मैंने? दिखाते क्यों नहीं? मैंने कहा अब तो तेरी बड़ा आदमी बनने की तमन्ना भी पूरी हो गई, अब तो ब्याह करके विलायत चला जा। फिर न कुछ बोला न चाला, चिट्ठी उठाकर फेंक दी। फेंक दी? बेटी मुझे तो लगता है ये मेरी और तेरी फिक्र में ये अपने दीन और दुनिया दोनों बिगाड़ कर छोड़ेगा। चिट्ठी कहाँ थी? उसके कमरे में किताबों के रैक पर रखी है। ऐसा लगता है जैसे मोती बिखेर गई इनका, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मिलता भी क्या है? दो चार रुपए ना। अगर ये काम मैं तुमसे करा था तो कहीं ज्यादा देता। चलो कोई तो हमदर्द है मेरा इस दुनिया। सारे देखे लाखों सपने सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना। यहाँ चलते रहे
डगर पे गम की जिनके वास्ते चलते रहे डगर पे गम की जिनके वास्ते चलते रहे दिलों को अजनबी से रास्ते सदियों से छाए ये जो सपनों के साए सच्ची ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना कोई जाने ना यहाँ मन ये कहे दुखी न हो दुखों से हार के लिखते रहे जो आंसुओं से गीत प्यार के गीत वो चाहे रोए कोई हंस के गाए सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना कोई जाने ना यहाँ अरुण ये क्या किया तुमने ये क्यों किया तुमने ये चिट्ठी तुम्हारी खुशनसीबी का संदेशा लेकर आई है ये चिट्ठी तुम्हारी कला को दुनिया में उजागर करके रख देगी ये भी सोचा तुमने अरुण नसीब की नींद बड़ी गहरी होती है ये रोज रोज नहीं जागा करती जाना नहीं चाहते अगर माँ की तरफ से फिक्रमंद हो तो उन्हें अपने साथ रख लेंगे अगर मेरा टाइप का काम बंद होने की फिक्र हो तो मैं दवाओं के पैसे लेने लगूंगी मैं ईमान छोड़ दूंगी अरुण मैं ईमानों को घर में मेहमान नहीं रखूंगी नहीं बोलोगे अरुण तुम ना मेरे दिल को पहचानते हो ना उसके दस की चीज को जानते हो मेरी गरीबी पर तरस खाकर तुम हमेशा दूसरों के नाम पर अपनी रद्दी मुझसे टाइप कराते रहे और मेरे सामने टुकड़े डालते रहे तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है तुम प्रेम मुझ पर दया करते हो मैं दुनिया भर की नफरत बर्दाश्त कर सकती हूँ किसी का नहीं पर तुम्हारे लिए आज ये भी करूंगी आज तुम्हारे एक इशारे पर मैं मिटने के लिए आई हूं बोलो अगर मेरे लिए तुम्हारी दया ही तुम्हें अपने मंजिल की तरफ बढ़ने से रोकती है तो मैं उसी से शादी करूंगी जिसे तुम चाहते हो और किसी से नहीं आरती नहीं आरती मैं अपने तन में से सांस की पास निकालकर फेंक सकता हूं लेकिन तुम्हें खोकर नहीं जी सकता नहीं जी सकता आरती नहीं जी सकता
कुंदन, दादाजी कहाँ हैं? पता नहीं दीदी, दादाजी कहाँ चले गए? चले गए? कहाँ जा सकते हैं? मोती किधर है? वो भी नहीं है दीदी, मोती नहीं है। तुमसे कुछ कह के गया दादाजी? मैं तो सो रहा था। ओह, दीदी? हाँ? वो तुम्हारी बात का बुरा मान के तो नहीं चले गए? कौन सी बात का? ये कि तुमने उनके पैसे अपने काम में नहीं दिए और उनका कुत्ता बना दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नसीब से न तो लड़कर कुछ लिया जा सकता है न गिड़गिड़ाकर। मामा मेरे नसीब में नहीं। चलो देखें, शायद आ गए हो घर। अरुण, उम्मीद से दुनिया जीती है ना? आरती, वो आदमी जिसे तुम्हारे घर में शरण मिली थी और जिसे तुम दादाजी पुकारती थी, वो वास्तव में अंबा प्रसाद हैं। अंबा प्रसाद सख्त बीमार हैं। आखिरी सांस लेने के पहले तुम सबसे मिलना चाहते हैं। ऊपर के पते पर फौरन आकर मिलो। पेस्टन जी से द्वारा। अरुण, यहाँ अपना सा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। हम किसी गलत जगह पर तो नहीं आ गए? नहीं, पता तो ये लिखा है। ओ बाबूजी, ओ बाबूजी, किधर जा रहे आप लोग? अरे भैया, कोई पेस्टन जी वसीयत वाला रहते हैं? पेस्टन जी? मेरा मतलब है अंबा प्रसाद नाम का कोई आदमी रहता है? हाँ, अंदर जाओ। आर्टिस्ट है एंड आई थिंक तमे अरुण आर्टिस्ट है जी। आप हमें पेस्टन जी वसीयत वाला, रास्ता में कोई तकलीफ तो नहीं पड़ा? मैं हमें तो कोई तकलीफ नहीं हुई। जिन्हें तकलीफ है वो कहाँ है? आई I'm so sorry. तो मैं जरा लेट आ गया।
अम्मा जी मर गया। बेशक रोने का बात है माई, पर हरा मिस का वास्ते दुनिया में कौन आया है? लेकिन आप कौन है? हमें मरूम सेठ अंबा प्रसाद का वकील था बाबा। सेठ अंबा प्रसाद? वकील साहब, मैं सेठ अंबा प्रसाद के बारे में नहीं, अपने दादाजी के बारे में पूछ रहा हूँ। वही गरीब बीमार और बेकार आदमी है। हाँ बाबा, वही अंबा प्रसाद। वो गरीब ही होता पर दौलत का मामले में नहीं, प्यार का मामले में। और वो प्यार तुमसे मिला, तुम्हारा घर में मिला। इसी का वास्ते वो अपना सब कैश एंड प्रॉपर्टी का वसीयत तुम्हारे फेवर में किया है। मैं करोड़ों रुपया का जायदाद है, तुमको अपना कबूल करना ही होना। प्यार के बदले तो प्यार ही मिलना चाहिए। छुट्टी तो नहीं जो इंसान को इंसान से अलग कर देती है। इसे आप रखिए, मुझे सिर्फ मेरे दादाजी लौटा दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। देखो आटी डिक्री, हम तमेरे को एक अक्कल का बात बोलता है, तमे रोटा काय को है? तमेरे को तो गाना बजाना करना मांगता है। आपकी मां पर रोना नहीं चाहिए, उसका माल हड़पकर गाना बजाना करना चाहिए। ऑफकोर्स, मालदार बाप की मौत आजकल का औलाद का वास्ते प्लेजर है। मुझे आप वकील नहीं, कोई शैतान मालूम होते हैं। दूसरे का माल हड़पने के लिए उकसाने वाला अच्छा वकील हो सकता है, अच्छा इंसान तो नहीं हो सकता। एक्सक्यूज मी, मेरे को लगता है तुम टड्डन गेला है, इतने के बिल्कुल पागल है। बाबा दुनिया में पैसा चाहिए, पैसा दुनिया का खुदा है। आज का दिन खुदा तुम्हारे पर खुश हुआ है। अम्बा जी मरी गया, इतने खुदा नी मेहरबानी थी तुम्हारा पर। मुझे इनके खुदा से बचाओ, मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो, मैं रोना चाहती हूँ। चार दिन की बात की आत्मा की प्यास, चारों से बाहर तो मुझे आना चाहती हूँ। एम तो जवानी से बात करो, वसीयत नामा साइंड एंड सील्ड है, डिलीवरी तो मेरे को लेना पड़ेगा। अगर मेरा इस सब कुछ से छुटकारा ही नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि ये सभी कुछ इस तरह जरूरतमंदों में बांट दीजिए कि उनके दिलों में अन्नदाता की याद हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। दादाजी, आपने ये मेरे किस गुनाह की सजा दे रहे थे आप? बेटी मुझे माफ कर, जीने के लिए मुझे ये मरने का नाटक खेलना पड़ा। तुम्हारे त्याग और अनुराग ने मेरी जिंदगी में सुख के दिन बढ़ा दिए। किम पेस्टन जी, आदमी से आदमी की तरह प्रेम करने वाले दिखाई दिए या नहीं? कबूल छे बाबा जी, आई विल चेंज माय ओपिनियन। बेटी चलो, तुम्हारे हाथों से अपने धन का सही इस्तेमाल देखता हुआ अब मैं वहीं जाकर अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजारूंगा जहां मुझे फिर से जीने का शौक पैदा हुआ। चल दे वहां तुझको मिले प्यार जहां, चल दे वहां तुझको मिले